आज हम दो मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं। एक, उसकी साइज क्या है, जो कि हम एक साथ देख लेंगे, और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफॉल्ट वैल्यू, कि हर वेरिएबल की कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है जावा में। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है और कैसे होती है, मतलब कहने का ये कि जावा में जब हम डिफॉल्ट वैल्यू की बात करते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं जावा में डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी वेरिएबल की तब होती है जब वो इंस्टांस वेरिएबल होता है, जब वो क्लास वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। और ये जो दोनों वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स, ये दोनों एक्चुअली दो रिजर्व वर्ड है। तो बूलियन को हम जब डिक्लेयर करते हैं एक्चुअली, तो हम क्या बोलते हैं, बूलियन इज अ टॉगल वेरिएबल, जो टॉगल होगा ट्रू और फॉल्स के बीच में। लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है जावा में, केवल इंस्टांस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो यदि ये वेरिएबल लोकल है और अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया तो दिस प्रोग्राम शोज एन एरर। लेकिन अगर मैंने यहां पर बी को प्रिंट किया, इफ आई विल प्रिंट बी हियर, तो कोई एरर नहीं है, आई विल गेट द रिजल्ट जीरो हियर, या मुझे आउटपुट जीरो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बी की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो जीरो है। लेकिन इसको डिफॉल्ट वैल्यू कब मिली? जब ये क्लास लेवल पे डिक्लेयर हुआ। तो जो वेरिएबल क्लास लेवल पे डिक्लेयर होते हैं उन्हीं की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां अभी तक हमने सारे डेटा टाइप पे डिस्कशन किया है। मैंने आपको यह बताया था कि जावा किन किन डेटा टाइप्स को यूज करता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप को अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। ऑलमोस्ट के सारे ही डेटा टाइप्स हमने अभी बात की है। लेकिन अब इस लेक्चर में हम ये समझते हैं, एक बार पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि जितने भी डेटा टाइप अभी तक हमने पढ़े हैं उन डेटा टाइप की साइज क्या है। ऑब्वियसली बात है, हमने हर डेटा टाइप की साइज को उसी समय डिस्कस किया है जब हमने इंडिविजुअल डेटा टाइप पढ़े थे, है ना। जब मैंने आपको पढ़ाया था बाइट, तो मैंने आपको बताया था बाइट 1 byte की मेमोरी एलोकेट करता है, शॉर्ट 2 byte की मेमोरी एलोकेट करता है। लेकिन यहां पर आज हम दो मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं। एक, उसकी साइज क्या है, जो कि हम एक साथ देख लेंगे, और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफॉल्ट वैल्यू, कि हर वेरिएबल की कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है जावा में। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है और कैसे होती है, मतलब कहने का ये कि जावा में जब हम डिफॉल्ट वैल्यू की बात करते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं जावा में डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी वेरिएबल की तब होती है जब वो इंस्टांस वेरिएबल होता है, जब वो क्लास वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि सर लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, डिफॉल्ट वैल्यू केवल इंस्टांस वेरिएबल की होती है, या डिफॉल्ट वैल्यू केवल क्लास लेवल वेरिएबल की होती है। इस सारे कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, तो चलिए बात करते हैं यहां पर। इसीलिए मैंने यहां पर आपको एक सिंपल से हमने एक चार्ट या लिस्ट बनाई है, जहां पर मैंने सारे डेटा टाइप अभी यहां पर लिख दिए हैं। हम साइज और डिफॉल्ट वैल्यू को समझते हैं और फिर यहां पर इसको हम फिलअप कर देंगे, ओके। लेकिन आप समझना, अभी साइज में प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंफ्यूजन होगा डिफॉल्ट वैल्यू में। क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके अभी देखोगे, मान लो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए प्रैक्टिकल तभी करना जब आपको यह सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और हम तो देखेंगे ही प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन। लेकिन अब आप देखो क्या होता है, जैसे आप देखो, पहले तो हम साइज की बात कर लेते हैं, फिर मैं डिफॉल्ट वैल्यू पे आता हूं, क्योंकि ये सिंपल है। साइज हमने पहले भी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है बाइट की मेमोरी साइज कितनी होती है, 1 byte की शॉर्ट, 2 byte इंट, 4 byte लॉन्ग, 8 byte फ्लोट, 4 byte डबल, 8 byte कैरेक्टर, 2 byte बुलियन, कैन नॉट अलोकेट एनी बाइट इन द मेमोरी, राइट। बुलियन का मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था। हालांकि देयर इज अ सम मिसमैच इन दैट कि बुलियन 1 bit लेता है, 1 byte लेता है, राइट। लेकिन बुलियन एक्चुअली एक ऐसा डेटा टाइप है जो मेमोरी अलोकेशन में केवल 2 value अलाउड करता है, ट्रू और फॉल्स। और ये जो दोनों वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स, ये दोनों एक्चुअली 2 reserved है। तो बुलियन को हम जब डिक्लेयर करते हैं एक्चुअली, तो हम क्या बोलते हैं, बुलियन इज अ टॉगल वेरिएबल, जो टॉगल होगा ट्रू और फॉल्स के बीच में। आपको बुलियन का अगर मेरा लेक्चर याद है, जहां मैंने बुलियन डेटा टाइप आपको पढ़ाया था, मैंने वहां पर भी आपको बोला था कि बुलियन का जो मेमोरी साइज है वो नहीं होता है, बुलियन केवल एक टॉगल बटन है जो ट्रू और फॉल्स के बीच में टॉगल करता है। इट इज एक्चुअली 1 and 0, इट्स अ बिट 1 and 0। और हमने याद करो बुलियन के बारे में भी पढ़ा था कि बुलियन आइसोलेटेड डेटा टाइप है, ना इसमें कोई वैल्यू आएगी, ना बुलियन वैल्यू कभी किसी में जाएगी।
राइट। तो यहां पर अभी हमने सारे डेटा टाइप की साइज पे बात की है, जहां पर हमने बाइट को डिस्कस किया, शॉर्ट को डिस्कस किया, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, और बुलियन के बारे में मैंने आपको बताया इट्स अ टॉगल बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स के बीच में टॉगल बटन है। ओके, लेकिन अब यहां पर आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफॉल्ट वैल्यू, है ना, क्योंकि ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा में वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो पहली बात आप ये समझना डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम यहां से शुरू करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लो अगर, मतलब आप समझना इसको, थोड़ा सा फोकस रोके, कि मान लो अगर मैंने जावा में ये प्रोग्राम बनाया क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन स्ट्रिंग एआरजीएस। अब आप देखो, नो डाउट मेरे को इस टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको क्लास लेवल पे आना पड़ेगा, मतलब अभी हम क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मुझे आपको थोड़ा सा इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है यह समझाना पड़ेगा। और अगर आपने C++ पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा फोकस करना कि सपोज अगर मैंने क्लास डिक्लेयर करी है एबीसी के नाम से, है ना, मतलब जावा में मैंने अपनी क्लास बनाई। नो डाउट अभी मैं क्लास वाले टॉपिक पे आऊंगा तो क्लास ऑब्जेक्ट इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इस डिफॉल्ट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं एक्चुअली जावा में, तो क्लास में हम क्या डिक्लेयर करते हैं, मैथड, जैसे ही मैंने ये डिस्प्ले नाम की मैथड बनाई, ओके। लेकिन आप समझना, अभी आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना कि सर ये क्लास तो आपने पढ़ा ही नहीं है, आप तो ऑब्जेक्ट भी बना रहे हो, क्योंकि अभी मैं जब यहां ऐसा लिखूंगा एबीसी ए इक्वल टू न्यू एबीसी तो आपको कंफ्यूजन होगा 100%, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लास के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो अभी आप दिमाग भी मत लगाओ ना यार, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप केवल जो कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करो। जब क्लास पढ़ाऊंगा तब अपन क्लास के बारे में बहुत डिटेल में चलेंगे, लेकिन देखो आप जब भी हम जावा में कोई क्लास बनाते हैं तो एक्चुअली इस क्लास में दो लेवल पे वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। एक वेरिएबल जो मैं मेथड लेवल पे डिक्लेयर करूंगा, ये जैसे मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर आई, और एक वेरिएबल जो मैं क्लास लेवल पे डिक्लेयर करता हूं, ये जैसे मैंने डिक्लेयर किया सपोज इंटीजर बी, है ना, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, और मैंने दोनों की इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं दी। लेकिन जो वेरिएबल क्लास लेवल पे डिक्लेयर होता है उसका फायदा यह होता है कि उसको क्लास के किसी भी मेथड में आप यूज कर सकते हो, और जो वेरिएबल मेथड लेवल में डिक्लेयर होता है हम उसको केवल मेथड में ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोकल वेरिएबल है, और ये वेरिएबल को हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। जो वेरिएबल क्लास लेवल पर डिक्लेयर होते हैं वो कहलाते हैं इंस्टांस वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल। तो यहां पर जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये इंस्टांस वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है। इट्स अ मेथड लेवल वेरिएबल, इट्स अ क्लास लेवल वेरिएबल। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है सुनना, अगर मैं यहां पर लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी ना आई को, एंड आई जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज द आउटपुट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आउटपुट, ओके, इट्स एन एरर, इट्स एन एरर। अगर आप आई को प्रिंट करोगे यहां पे तो आपका प्रोग्राम सीधे एरर फेंक देगा, इट शोज एन एरर, क्योंकि जावा में किसी भी लोकल वेरिएबल की कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब यह होता है कि अगर आई में आपने कुछ भी नहीं दिया तो वो क्या कंसिडर करेगा, दैट इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, कि आई की वैल्यू कुछ भी नहीं है। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो जो प्रिंट होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू है, लेकिन यह कुछ प्रिंट करेगा ही नहीं ना, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जावा में लोकल वेरिएबल की नहीं होती है। ध्यान से सुनना, जावा में डिफॉल्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल की नहीं होती है, जावा में डिफॉल्ट वैल्यू केवल इंस्टांस वेरिएबल की होती है। जावा में लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, जावा में केवल इंस्टांस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो यदि यह वेरिएबल लोकल है और अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया तो दिस प्रोग्राम शोज एन एरर। लेकिन अगर मैंने यहां पर B को प्रिंट किया, if I'll print B here, तो कोई एरर नहीं है, I'll get the result zero here, या मुझे आउटपुट जीरो मिल जाएगा, क्योंकि इस B की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो जीरो है, लेकिन इसको डिफॉल्ट वैल्यू कब मिली, जब ये क्लास लेवल पे डिक्लेयर हुआ। तो जो वेरिएबल क्लास लेवल पे डिक्लेयर होते हैं उन्हीं की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब किसकी क्या होती है वो अभी अपन समझते हैं।
बट आई होप आपको ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जावा में डिफॉल्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल की नहीं होती, और यही कारण है कि अगर मान लो मैंने यहां पे मतलब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा ए डॉट डिस्प्ले। अभी आप बिल्कुल मत सोचिए कि सर ये आपने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, क्या हो रहा है। मैंने सिंपल इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है ये चेक करने के लिए कि आई को प्रिंट करने पर प्रोग्राम एरर देगा या नहीं देगा, और बी को प्रिंट करने पर प्रोग्राम मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करके देगा। क्योंकि मुझे देखना है कि बॉस जब मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि इंस्टांस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है। और मैं प्रैक्टिकली भी बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। लेकिन आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो कि जावा में डिफॉल्ट वैल्यू कब होती है, जब वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल होता है, ठीक। और आप देखो क्या होगा, अगर मान लो आपने यहां पे प्रोग्राम में सपोज मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर एक्स, नाउ डील मी, अगर आपसे पूछा जाए अगर मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर, यहां पर अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स, ओके, और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सो गलती से भी मत बोल देना सर जीरो, क्योंकि आपने तो सर बताया था डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। अरे इस एक्स की डिफॉल्ट वैल्यू होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेन में डिक्लेयर्ड है और ये मेन का लोकल वेरिएबल है। डिफॉल्ट वैल्यू उस वेरिएबल की होगी जो क्लास लेवल पे डिक्लेयर होते हैं, ओके? पर अगर आपने ये गलती कर दी कि इस एक्स को यहां डिक्लेयर करने की बजाय, ठीक है, आपने सोचा ठीक है सर इस एक्स को मैं मेन के ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, आपने कहा था क्लास वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो आप इसको मेन के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर एक्स, ये भी गलती मत करना क्योंकि ये मेन आपका स्टैटिक है, अभी ये एरर शो कर देगा। तो वो बात की कहानी है कि बॉस अगर आपने यहां पर एक्स डिक्लेयर किया है तो चल रहा है, लेकिन मेन के ऊपर अगर आप एक्स को डिक्लेयर करोगे तो एरर आ जाएगी, जस्ट वेट जब तक मैं स्टैटिक ना पढ़ा दूं। लेकिन अभी हमारी बात उसको लेके हो ही नहीं रही है, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि बॉस अगर आपने कभी मेन में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो वो एरर फेंक देगा जब तक आप इस पर कोई वैल्यू नहीं दोगे, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नहीं है, लेकिन यहां पर एरर नहीं आएगी, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं किसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। समझ में आ गया ना कि जावा में डिफॉल्ट वैल्यू कब होगी, लोकल वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल दोनों में डिफरेंस, ठीक। अब देखो आप, अगर मान लो अपन बात करें बाइट की, तो बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो। शॉर्ट की जीरो, इंट की जीरो, लॉन्ग की जीरो एल, फ्लोट की 0.0f, डबल की 0.0d, कैरेक्टर की /u 0000 जो जीरो होती है, मतलब जो इनिशियल वैल्यू होती है जीरो, /u 0000। याद है मैंने आपको कहा था कि जावा का कैरेक्टर यूनिकोड को यूज करते हैं, तो दिस इज व्हाट द इनिशियल वैल्यू, हम बोलते हैं ना जीरो से लेके 65535 तक, तो जो जीरो है एक्चुअली दिस इज /u 0000। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है कैरेक्टर की, बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन इज फॉल्स। लेकिन इन सब की डिफॉल्ट वैल्यू कब होगी, जब ये वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल होंगे, जब ये वेरिएबल क्लास लेवल पे डिक्लेयर्ड होंगे, लोकल वेरिएबल मेथड लेवल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। और ये एग्जांपल उसी का जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट एन एग्जांपल, कि अगर आप इस एग्जांपल को समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस टाइप के वेरिएबल, अब मैंने आपको बता दिया, मैंने इंट को लिख के आपको अभी एप्लीकेशन बताई, आप यहां बाइट लिख दीजिए, शॉर्ट, कैरेक्टर, किसी भी टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करके आप चेक कर लीजिए कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, लेकिन उसके लिए आपको उसको क्लास लेवल पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आई होप ये डिफॉल्ट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और मैंने इसीलिए एक साथ एक ही टेबल में सारे डेटा टाइप भी हमने लिख दिए, सारी साइज भी हमने लिख दी, और सारे डिफॉल्ट वैल्यू भी हमने लिख दी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, उसकी साइज क्या होती है। और ये जो साइज है, इसके बारे में तो मैं आपको डेटा टाइप पढ़ाते टाइम भी बोला है कि जावा अपने डेटा टाइप पे स्ट्रिक्ट है, जिस टाइप की साइज होगी वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक जैसी होगी। C++ जैसा नहीं है कि कहीं 2 byte कहीं 4 byte, यहां जितनी मेमोरी साइज है ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक जैसी आपको मिलेगी, इट्स अ कंसिस्टेंस डेटा टाइप, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, क्योंकि हमने सारे डेटा टाइप के बाद ये बात की है। और अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, वो मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है। आपको एक इंट्रोडक्शन में आपको देने वाला हूं रैपर क्लासेस का, कि हम जावा के डेटा टाइप को कंपेयर करेंगे रैपर क्लास से, जहां पर केवल इनिशियल लेवल पे इतना हम समझेंगे कि रैपर क्लास होती क्या है, क्योंकि इस रैपर क्लास वाले टॉपिक को जब फ्यूचर में हम पढ़ेंगे,
तब मैं इसके पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, राइट। लेकिन क्या होता है, अभी एक कंफ्यूजन जनरली बच्चों को होता है, कई बार बच्चे मेरे मतलब ये पूछते हैं मुझसे क्लास में भी कि सर जब हम आप बोलते हो कि बॉस जावा केस सेंसिटिव है, तो बाइट डेटा टाइप तो स्मॉल में है ना, बाइट बी, अगर मैं लिखता हूं बाइट बी तो बिल्कुल सही डिक्लेरेशन है, लेकिन सर मैं अगर बाइट का बी कैपिटल भी लिख रहा हूं तो भी एरर नहीं आ रही। जब ये कई बार इनिशियल लेवल पे, बिगनिंग लेवल पे ये क्वेश्चन बच्चों का बड़ा कॉमन है कि जब आप फर्स्ट टाइम जावा पढ़ते हैं और आपको ये पता है कि यार ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव का मतलब है जिस टाइप का कैप मतलब जिस टाइप का डेटा टाइप है आपको उसी में लिखना पड़ेगा, ये कैपिटल स्मॉल पे डिफरेंशिएट करेगा, तो जब आप बाइट भी लिख रहे हो तो एरर नहीं आ रही है, जब आप बाइट कैपिटल भी लिख रहे हो तो एरर नहीं आ रही है, तो फिर क्वेश्चन है सर ये दोनों कैसे अलाउड कर रहा है, क्या ये बाइट भी डेटा टाइप है कैपिटल बी के साथ। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन पता है क्या होता है, सर मैं इंट आई लिखता हूं तो एरर नहीं आती है, लेकिन जब मैं कैपिटल आई इंट लिखता हूं तो एरर आ जाती है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर किसी में एरर दे रहा है किसी में नहीं दे रहा है, ठीक है, मतलब मैं शॉर्ट लिखूंगा शॉर्ट एस स्मॉल में तो दिक्कत नहीं है, कैपिटल शॉर्ट लिखूंगा तो भी दिक्कत नहीं है, राइट, लेकिन कैर स्मॉल में लिखा तो चलेगा, लेकिन कैर का सी कैपिटल कर दिया तो एरर आ रही है। तो ये क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों कि किसी डेटा टाइप में फर्स्ट लेटर कैपिटल अलाउड कर रहा है किसी में नहीं कर रहा है, ये सारी कहानी आपको समझ में आएगी जब आप अगले लेक्चर में रैपर क्लास को समझ लोगे, और ये केवल इंट्रोडक्टरी क्लास होगी रैपर क्लास की, राइट, क्योंकि रैपर क्लास हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब टॉपिक आएगा रैपर क्लासेस का वहां पर हम इसको बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको रैपर क्लास का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बताने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।